हे अजीजो, ये बात तो सब जाने हैं कि सब बुराई करे हैं। क्यों आदमी ऐसा करते ही जाते हैं? सब पाप करना नहीं चाहते पर पाप करते रहते हैं। ये कारण कि हम अपने आप को बदल नहीं पाते। इंसान अपने आप को बदल नहीं पाता। भलाई करना चाहे भी तो भी बुराई पल्ले ही पड़ती है। वो इस कारण के हमारे भीतर जो पापी मन बचा हुआ है वो अपने हाथ से चोरी करते हैं। अपना हाथ कटवा भी दे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि कल फिर चोरी करेंगे। चोरी करने की इच्छा मारे भीतर तय पैदा होती है। इसकी शुरुआत अंदर तय होती है, हाथों में नहीं होती। ऐसा ही हर एक पाप की गिल्या है। जो हमारे हाथ गंदे हों तो उसे पानी में धोकर साफ कर लेंगे। तो आप अपने पापी मन को धोकर बताओ कैसे साफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप चाहे कितनी भी बार नहा लो धो लो, आप पाप करना जारी ही रखेंगे। मारे जो गंदे शब्द हैं वो मारे मन की बुराई में निकल कर आते हैं। हमारे बुरे विचार मारे गंदे मन में से निकल कर आते हैं। क्या तुमने कभी चित्ता देखा है? उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े धब्बे होया करें। क्या चित्ता उन धब्बों को कोशिश करके भी उन्हें धोकर मिटा सके है? ना। क्यों? वो अपने धब्बे क्यों नहीं मिटा सकता? क्योंकि धब्बे कोई बाहर तक उसके शरीर पर बांधे नहीं गए हैं, वे अंदर तक आए हैं। चित्ता अपने आप को कभी भी बदल नहीं सकता। इसी तरह पाप कोई बाहर तक आई हुई चीज नहीं है। जो भी पाप हम कर रहे हैं यही दिखता है कि हमारे मन के अंदर पाप मौजूद है। बहुत सारे लोग क्या करें, बुरे काम करना छोड़ दो, पर वे न्यू नहीं बता पाते कि हम क्यूकर अपने बुंडे इस मन को बदल सकते हैं। चित्ता गाय की तरह राम नहीं सकता। वो क्या कर सका है? आज तक मैं घास खाया करूंगा न्यू कह देगा? ना। सिर्फ परमात्मा ही चित्ते को बदल सके है। उसी तरह हम नहीं कह सकते कि आज तक मैं भलाई करया करूंगा। केवल परमात्मा ही मारे पापी मन को धो सका है, बदल सका है और मारे अंदर मारे भीतर भला करने की भावना वो पैदा कर सका है। जो एक चोर को सजा मिले तो शायद चोरी करना छोड़ भी दे, पर उसके भीतर की चोरी करने की आदत ने कौन काट सका है? वो केवल परमात्मा ही उसने काट सका है। मेरे अजीजो, मेरे द्वारा थारे लिए एक बहुत ही अच्छा सुसमाचार है। एक है जो हमारे मनों को पाप से मिटा सकता है और वो उन्हें अच्छा बना सकता है। वो तो है परमेश्वर का एक ही बेटा यीशु मसीह। उसमें प्रत्येक को हरेक को एक नया मन देने की ताकत है। उसके द्वारा ही हमने भलाई करने की ताकत हमारे अंदर आ सकती है। यीशु मसीह आपके मन को इसी टाइम बदलने की सोच रहा है और आप उसके पास आओ। उसकी बाट देखने की जरूरत को ना, मैं तुमने बताऊंगा तुम ने क्या करना है। अपने पापों को यीशु के आगे बता दो और उन्हें छोड़ दो। यीशु ते विनती करो वो थारे बुरे हृदय को बदल कर भला हृदय बना दे। उस तक कहो वो थारी आत्मा तुम्हारे अंदर रखे। वो ऐसा जब करेगा जब तुम अपने पापा ते फिर कर उसके यीशु मसीह पर पूरा भरोसा करोगे। दुनिया के लोग न्यू कहन लाग रहे हैं अब यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा फिर से आन लाग गया है। उस टाइम वो क्या करेगा? चित्तों को बदल देगा। वो फिर मांस नहीं खाएंगे, वो गाय के समान घास खाना शुरू करेंगे। लोग फिर उन तक डरेंगे नहीं। वो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात होगी। इसके द्वारा ये सबूत मिल गया कि यीशु मसीह बहुत ताकतवर है।
एक चित्ते को बदलने की कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक आदमी के हृदय को बदलना उससे भी बड़ी बात होगी।